कर्नाटक की सियासत में बहुत ही नाटकीय मोड़ आ गया है। कांग्रेस लगातार अपनी तरफ से ऑडियो क्लिप युद्ध जारी किए हुए है। कल उसने ऑडियो क्लिप्स जारी किए थे, अब उन्होंने सीधा हमला येदियुरप्पा पर बोल दिया है। आरोप क्या है आपको सिलसिलेवार तरीके से? येदियुरप्पा का ऑडियो जारी किया कांग्रेस ने, कांग्रेस विधायक को मंत्री का लालच देते हुए। हम दोहरा दें, ये आरोप कांग्रेस का है, वो ऑडियो हम आपको सुनाएंगे। आरोप नंबर दो, येदियुरप्पा के बेटे ने विधायक की पत्नी को फोन किया, 15 करोड़ का ऑफर। आरोप नंबर तीन, येदियुरप्पा के बेटे ने कांग्रेस के दो विधायकों को होटल गोल्ड फिंच में रखा, बंधक बनाया, जैसा कि वो कह रहे हैं। आरोप नंबर चार, बीजेपी के जनार्दन रेड्डी का ऑडियो जारी, कांग्रेस विधायक को वो लालच देते हुए इसमें सुने जा रहे हैं कथित तौर पर। हम बार बार कह रहे हैं कथित तौर पर। और आरोप नंबर पांच, होटल में बीजेपी के सोमशेखर रेड्डी कांग्रेस के दो विधायकों के साथ हैं और अब इस मामले की जांच कोई और नहीं बल्कि खुद डीजीपी करने गए हैं। पांच गंभीर आरोप। और आप जैसे कि जानते हैं कि जनार्दन रेड्डी ने कथित तौर पर कांग्रेस के एक विधायक से बात की थी, वो रिपोर्ट देखते हैं पहले। हेलो 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 ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೇನು ಪದವಿ ಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಳಗ್ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಅವ್ರು ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡಿಮ್ಮ, ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ನೀವೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಆಸೆಗಳು ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀನು 100ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ. ಈಗ ಅವ್ನು ಶಿವನಗೌಡ ನಾಯಕ ಅವತ್ತು ಏನ್ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅವನು ಬಂದು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದ್ದ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತನ್ನಂತಿಗೆ ತಾನು ಇವತ್ತು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಕೊಂಡು ಶಕ್ತಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾನ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು. ಹೇಳಿ, ರಾಜೇಗೌಡ ನನ್ನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿನ್ನ ಏನ್ರೆ ನಿನ್ ದುರದೃಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಿನಗೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಶಿವನಗೌಡ ನಾಯಕ್ ಗೆದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನೀನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಮ್ಮ? ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ, ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರ ಹತ್ರನೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ನಾನು ಕೂಡಿಸಿ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಏನ್ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಮಾತು ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವ್ರಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ನೀನ್ ಏನ್ ಆಸ್ತಿ ಗೀಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ 100ರಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಬಸವನ್ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸಾರಿ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇವತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿದಾರ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾವಾ ಕಿಯಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೈ. ಜಾಹಿರ್ ಸಿ ಬಾತ್ ಹೈ, ಇಸ್ಕಿ ಜಾಂಚ್ ಕಿಸಿ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕೋ ಕರ್ನಿ ಹೋಗಿ. मगर जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस का अपना एक दावा है, वो हमला किसी और पे नहीं येदियुरप्पा पर भी कर रहे हैं. अब इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं. दिस इज द अटर फॉल्सहुड. कांग्रेस इज फेमस फॉर क्रिएटिंग फॉल्स एंड फेक सीडीज. दिस इज वी रिजेक्ट इट टोटली. And the forensic investigation will prove the falsehood of Congress. And therefore, we condemn such attempts. Play politics fairly. और अब आपको बता दें, आनंद सिंह और प्रताप गौड़ा, वो दो विधायक जिनकी पृष्ठभूमि बेल्लारी की है,
वो इस वक्त गोल्ड फिंच होटल में हैं और गोल्ड फिंच होटल में मौजूद हैं एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया भी। अब यह बताया जा रहा है कि उन्हें बीजेपी के नेता सोमशेखर रेड्डी जो हैं, जो ऑपरेशन लोटस में जिनका नाम बार बार आता था, उन्हें बंधक बना के रखा हुआ, यह आरोप किसी और का नहीं कांग्रेस का है। मगर वो दोनों गोल्ड फिंच होटल में पाए गए। इस वक्त विकास भदौरिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, गोल्ड फिंच होटल में वो क्या कर रहे हैं? विकास, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ये बताया जा रहा है कि इस होटल में सोमशेखर रेड्डी, इसके अलावा प्रताप गौड़ा, हम इस वक्त बेंगलोर में क्रिसेंट रोड पर होटल गोल्ड फिंच के सामने हैं और यहाँ पर कर्नाटक की डीजीपी पहुंची हुई हैं और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स भी है। ये बताया जा रहा है कि इस होटल में सोमशेखर रेड्डी, इसके अलावा प्रताप गौड़ा और आनंद सिंह, ये तीन MLA हैं और DGP यहाँ पर उनको सिक्योरिटी देने के लिए और यहाँ से विधानसभा तक ले जाने के लिए आई हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स है और अंदर आने जाने की मनाही है। ये बताया जा रहा है कि आनंद सिंह और प्रताप गौड़ा, ये दो कांग्रेस के MLA यहीं पर ठहरे हुए हैं और उनको लग रहा है कि उनकी जान की सुरक्षा, उनकी जान को खतरा है, इसलिए यहाँ पर DGP नीलिमा यहाँ पहुँची हैं उन दोनों विधायकों को यहाँ पर ले जाने के लिए। लेकिन एक थ्योरी ये भी कह रही है कि सोमशेखर रेड्डी, जो कि BJP के विधायक हैं, उन्होंने यहाँ पर दो विधायकों, कांग्रेस के दो विधायकों आनंद सिंह और प्रताप गौड़ा को रखा हुआ था और इसकी शिकायत एक कांग्रेस के सांसद ने DGP को की है और उसके बाद DGP यहाँ पहुँची है। स्थिति क्या अभी तक साफ नहीं है, जब अधिकारी बाहर निकलेंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल इस गोल्ड फिंच होटल के आसपास एरिया को पुलिस छावनी बना दिया गया है। DGP खुद अंदर मौजूद हैं, बड़े अधिकारी कर्नाटक पुलिस के यहाँ अंदर मौजूद हैं और जब वे बाहर निकलेंगे तब वाकई में वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। विकास भदौरिया, ABP न्यूज, बेंगलोर। देखिए, सामान्य स्थिति नहीं है, ये साफ सुथरी स्थिति नहीं है। यहां पर कहीं ना कहीं कुछ शको शुबा जरूर पैदा हो रहा है जो भी इसको देख रहा है। आरोप अपनी तरफ से कांग्रेस लगा रही है, उसमें कितना दम है यह हम देखेंगे, मगर कुछ लम्हों के इंतजार के बाद इस पूरी घटनाक्रम की हम समीक्षा लगातार ABP न्यूज पर कर रहे हैं। लौटते हैं। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।